इमरान खान और नवाज शरीफ ऐवान सदर में इकट्ठे बैठे और अली मोहम्मद खान का तहलका खेज बयान। एक निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान का कहना था कि मियां नवाज शरीफ का वतन वापस आना अच्छा शगुन है और तमाम सियासी लीडरों को सियासी मैदान में होना चाहिए। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ वतन वापस आए और उनके पास जो विजन है उसको अवाम के सामने रखें और इमरान खान भी जेल से बाहर आए और बनी गारा में तमाम लीडरशिप इकट्ठी हो जहाँ बातचीत का आगाज हो। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ और इमरान खान की ऐवान सदर में बातचीत होगी क्योंकि दोनों बड़े सियासतदान हैं और मुल्क के मुफाद में ये बातचीत होनी चाहिए और ना कोई किसी को ग्राउंड दे ना कोई किसी की ग्राउंड ले, लेकिन आपस की लड़ाई में पाकिस्तान का नुकसान ना हो। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान ने मजीद कहा कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारे दरमियान सियासी इख्तलाफात इस हद तक पहुंच जाएं कि आपस में दुश्मनियां पैदा हो जाएं और सियासी मामलात और हालात की वजह से ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि जिसकी वजह से इदारों और अवाम के दरमियान फासले पैदा हो जाएं जो कि किसी सूरत नहीं होने चाहिए।